मैं गुरुवारपेट से यहाँ पे आता हूँ खाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही बढ़िया बनता है और ये घी में बना हुआ है। तो क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक राउंड टू के लिए हम आए हैं स्पेशली हिंदी स्वराज्य के साबूदाने वड़े वाले के पास। भाई हमने उनका ड्रिंक जो है वो ट्राई किया, बहुत ही बढ़िया था, मज़ा आ गया पी के। तो अब हमने सोचा क्यों ना ये ट्राई कर लिया जाए। अब देख के मेरा दिमाग तो हिल गया है, इतने बड़े बड़े साबूदाने वड़े। अब हम खाएंगे ये साबूदाने वड़े और आपको बताएंगे कि भाई सच्ची में टेस्ट कैसा है इसका। ठीक है, तो लेते हैं पहला बाइट और आपको बताते हैं। चलो तो भाई हमने ले लिया हमारा साबूदाना वड़ा। मैं एक बात बताऊंगा आपको, यहाँ पे इन्होंने हाइजीन बहुत ही अच्छी मेंटेन किया है, सब साफ सफाई एकदम अच्छे से है। और साइज तो देखो यार, ये क्या है, ये साबूदाना वड़ा है क्या? क्या है ये, आफत की पुड़िया इतनी बड़ी? इसको खा के, इसको देख के मज़ा आ रहा है बहुत अभी। तो भाई हम अपना पहला बाइट लेंगे और आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसा है इसका। ये चटनी में डाला हमने भाई साहब, ये चटनी कौन सी है? ये दही का चटनी। और ये चटनी मिर्ची और नारियल। ओके, तो अभी ये भाई ने हमको सर्व किया है, अब हम इसका पहला बाइट लेंगे। आहा, गर्मा गर्म, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, एकदम गर्मा गर्म और एकदम क्रिस्पी टेक्सचर और सॉफ्टनेस अंदर से, बात ही अलग है इसकी। मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा, आप जब भी यहाँ पे हो जंगली महाराज रोड पे, तो आप ज़रूर हिंदी स्वराज में आपको विजिट करना ज़रूरी है। अभी ये जब मैंने इसका एक पहला बाइट लिया तो मुझे से जो कॉम्बिनेशन है दही का मीठा और ये जो चटनी तेज़ है, सब कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी। मैं गुरुवारपेट से यहाँ पे आता हूँ खाने के लिए। ओ, ये इतना टेस्टी लगता है आपको? यस। ओके, माझा नाव किरण शेवाळे, आमचं साबुदाणा वाडा धंदा आम्ही 2011 चालू केला आहे, आता 10 वर्ष पूर्ण झालेले आहे आणि एवढा फेमस झाला की नाही का, पूर्ण महाराष्ट्रातनं लोक येतात आमच्या इथं वडे खायला। स्पेशल साजू तुपातील साबुदाणा वडे आम्ही तयार करतो। त्याची सुरुवात कशी झाली? सुरुवात म्हणजे एवढ्या एरियात आम्हाला नाही का सगळे आयटम खाण्यासाठी लोकांना होते, पण साबुदाणा वडा हा नव्हता, आम्ही सहज म्हणून चालू केला होता, पण एवढा फेमस झाला आणि एवढे लोकांचा छान रिस्पॉन्स मिळाल्यामुळं खूप प्रसिद्ध झाले आमचा वडा। हायजीन स्टँडर्ड सगळे मेंटेन होतात काय? हो, एकदम हायजीन स्टँडर्ड एकदम मेंटेन। स्पेशल साजूक तुपातील फ्रेश रोजच्या रोज फ्रेश तूप टाकून आम्ही वडे तळतो। थँक्यू।